नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं उज्जवल मिश्रा। आज शनिवार है और शनिवार और मंगलवार को हमारा एक खास सेगमेंट बात विधानसभा का जाता है, जिसमें हम किसी एक जिले की सभी विधानसभा सीटों की बात करते हैं। आज बात होगी शामली जिले की सभी विधानसभा सीटों की। उससे पहले शामली जिले का एक इतिहास आपको बता देते हैं। महाभारत काल में शामली कुरुक्षेत्र का एक हिस्सा था। यह आजादी के समय अविभाजित पंजाब से सटा था। एक किंवदंती के अनुसार शामली का वह स्थान है जहां कृष्ण ने महाभारत युद्ध को टालने के लिए अपने अंतिम प्रयास के लिए जाते समय रात्रि होने पर विश्राम किया था। इसलिए कहा जाता है कि इसका पिछला नाम श्यामवली था। अब बात करते हैं इसके एक एक विधानसभा सीटों की। सबसे पहले बहुत चर्चित, पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा सीट कैराना विधानसभा की। कैराना विधानसभा शामली जिले का एक हिस्सा है। 2012 से पहले कैराना मुजफ्फरनगर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। कैराना का क्षेत्र यमुना नदी और हरियाणा राज्य की सीमा से सटा हुआ है। मुजफ्फरनगर इससे 50 किलोमीटर और शामली इससे 12 किलोमीटर दूर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में अंगराज कर्णपुरी, जिसे आधुनिक कैराना के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। समय समय पर इस ऐतिहासिक नगर का नाम बदलता रहा और आधुनिक समय में यह कैराना के नाम से जाना जाता है। यह शहर अपनी गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम संस्कृति के कारण भी जाना जाता है। 10 फरवरी को यहां चुनाव होना है। बीजेपी ने मृगांका सिंह को यहां से टिकट दिया है, वहीं सपा ने नाहिद हसन पर भरोसा जताया है। कांग्रेस से हाजी इकलाख और बसपा से राजेंद्र सिंह उपाध्याय यहां से उम्मीदवार हैं। अब बात करते हैं शामली जिले की दूसरी विधानसभा सीट थाना भवन विधानसभा की। शामली जिले की थाना भवन विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, तो वहीं दूसरे नंबर पर जाट मतदाता हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी उम्मीदवार को सपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार से कड़ी चुनौती मिलना तय माना जा रहा है। थाना भवन विधानसभा सीट की गिनती मुस्लिम बहुल सीटों में होती है। इस सीट पर कुल 3,10,389 मतदाता हैं, जिसमें अनुमानित तौर पर सबसे ज्यादा 93,000 मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं 42,000 जाट हैं, जबकि 60,000 दलित, 20,000 ठाकुर, 14,000 ब्राह्मण, 11,000 कश्यप और 21,000 सैनी मतदाता हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर जाट मतदाताओं ने रालोद पर वापस भरोसा जताया तो रालोद सपा गठबंधन को इस सीट पर फायदा हो सकता है। हालांकि बसपा की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिए जाने के बाद मुकाबले के त्रिकोणीय होने के आसार हैं। बीजेपी लगातार दो बार से यहां कमल खिलाती आ रही है और बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश राणा विधायक निर्वाचित होते रहे हैं। सुरेश राणा को लगातार दूसरी बार विधायक निर्वाचित होने का फायदा भी मिला और वह कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए। लेकिन इस बार इस सीट पर बीजेपी का तिलस्म खत्म करने के लिए अन्य राजनीतिक दलों ने रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। असल में इस सीट पर 10 फरवरी को मतदान होना है। बीजेपी ने जहां तीसरी बार सुरेश राणा पर दाव लगाया है और उन्हें टिकट दिया, तो वहीं बसपा ने सपा से बागी हुए जहीर मलिक को उम्मीदवार बनाया है, जबकि सपा और आरएलडी गठबंधन ने अशरफ अली पर दाव लगाया है, तो कांग्रेस ने सत्य संयम सैनी को टिकट दिया है। हालांकि 10 मार्च को पता लग जाएगा कि किसकी शक्ति यहां मिलती है और कौन विधानसभा तक पहुंचता है। अब बात करते हैं शामली की सदर विधानसभा सीट शामली विधानसभा की। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के तेजेंद्र निर्वाल चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उन्हें इस चुनाव में 70,085 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी पंकज मलिक को 40,365 वोट मिले थे, जबकि तीसरे नंबर पर रहे रालोद के ब्रजेंद्र सिंह को 33,551 वोट मिले थे। चौथे नंबर पर निर्दलीय मनीष कुमार थे, जिन्हें 33,551 वोट मिले थे, जबकि पांचवें नंबर पर बसपा के प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम थे, जिन्हें 14,111 वोट मिले थे। अगर इस पार्टियों का वोट प्रतिशत की यहां पर बात करें तो 2017 के चुनाव में शामली विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। इस चुनाव में भाजपा को 35.7% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 20.56% था। वहीं रालोद के वोट शेयर की बात करें तो वो 17.09% था। बसपा के वोट शेयर की बात करें तो 8.72% था, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी का वोट शेयर 8.72% था। बीजेपी ने तेजेंद्र सिंह को यहां से टिकट दिया है, वहीं सपा के साथ गठबंधन वाले आरएलडी ने प्रसन्न चौधरी पर भरोसा जताया है।
कांग्रेस से अयूब जंग और बसपा से ब्रजेंद्र मलिक यहां से उम्मीदवार हैं। यहां की जनता 10 फरवरी को तय कर देगी और उसी के साथ 10 मार्च को यहां के गद्दी से विधायक चुना जाएगा जो विधानसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। तो आज ये बात थी शामली जिले की सभी तीनों विधानसभाओं की। आगे फिर आपके लिए लेकर के आएंगे किसी जिले की सभी विधानसभा सीटों की बात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए सन राइज न्यूज़।